हेलो चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 17, स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल्स। तो आज हम स्केलेटन क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, मसल्स क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्केलेटन देखिए, द फ्रेम ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन एंड इज नोन एज द स्केलेटन। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल बेटा, यानी हड्डियों का ढांचा ना। ये सारे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, सब क्या है, स्केलेटन है। तो स्केलेटन में कौन सा आएंगे, द फ्रेम ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स, यानी हमारे बॉडी जो है, हमारे जो मसल्स हैं किस पे टिके हुए हैं, बोन्स पे है। और बोन्स से ही बोन्स है, वो बोन का स्ट्रक्चर के कारण हमारी बॉडी जो है स्थिर है ना। मूवमेंट हो रहा है तो हमारे मसल्स चाहिए, जॉइंट्स चाहिए। लेकिन यहाँ स्केलेटन का सीधा और सिंपल डेफिनेशन है कि द फ्रेम ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन इज नोन एज द स्केलेटन। तो स्केलेटन मतलब एक कंकाल होता है, तो कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा। इज दैट क्लियर? ओके जी। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ योर बॉडी डिड नॉट हैव अ स्केलेटन, क्या होगा अगर आपका बॉडी में स्केलेटन नहीं रहेगा। पता है मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। बोन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन इट्स मूवमेंट, तो क्या होता है, मूवमेंट नहीं होगा। तो इस हमारा किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मेंटेन इट्स सेप, सेप देता है, आकार देता है। Don't talk and protect the soft organs such as brain, heart, lungs from injury. एक बात बताइए, अगर ये बोन्स नहीं होता तो इसके अंदर जो हमारा हार्ट जो छिपा हुआ है, ठीक है ना, रिब्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिब्स, क्या बोलते हैं इसको बेटा, रिब्स। अब इतने वो इतने डेलिकेट होते हैं यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, तब तो ऐसे कोई भी पिचक देता ऐसे। नहीं होता तो ऐसे दबा के कोई निकाल लेता, खींच लेता, और चोट लगता तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, कोई उसका चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उससे बचाता है हमको कौन सा, ये रिब्स। रिब्स भी क्या है, हड्डी ही है ना। तो हमको क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को क्या देता है, ये रक्षा देने का काम करता है। ओके, मूवमेंट भी देता है, रक्षा भी देता है। अब इसको ये देख लीजिए थोड़ा सा आप, यहाँ पे इसमें हमारा जितना भी मैं पूरा मेंटल एक्टिविटी यहीं से होता है। हाँ हेलो, क्या हुआ, वन स्टेंस 100,000, तो कितना लिखा हुआ है, 4,400। रीड इट, ओके, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसमें ये जो खोपड़ी देख रहे हो, स्कल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो है डेलिकेट चीज समाया हुआ, अगर आपको, अगर ये हार्ड स्कल नहीं होता, आपको चोट लगता है, कुछ होता है, एक हेलमेट की तरह काम कर रहा है। हेलमेट आप जब लगाते हो तो क्या करता है, आपके मस्तिष्क को, आपको ब्रेन को रोक, मतलब बचा कर रखता है, सेफ रखता है ना। तो इसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर जो मटेरियल्स है, उसको क्या करता है, ये स्कल हमारा हार्ड सरफेस है, उसको क्या करता है, बचाने का काम करता है, समझ गया। नहीं तो उसको कोई खींच लेता अंदर से, निकाल लो ब्रेन को, सॉफ्ट है ना, खींच लो ऐसे करके, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, बचाने काम करता है। ये भी हो गया आपको। तो टोटली मिला के आप ये कह सकते हैं कि स्केलेटन क्या है, स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, एक प्रकार का ये क्या है, फ्रेम ऑफ बोन्स है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा। ये हमें क्या देता है, एक अच्छा शेप देता है, हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ब्रेन को बचाने काम करता है। स्कल क्या करता है, हमको ब्रेन को बचा कर रखता है। हार्ट एंड लंग्स को इंजरी होने से कौन रोकता है, रिब्स रोकता है, समझ गए। तो ये सारे क्या है, आपका स्केलेटन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस
लेट अस नो आइडेंटिफाई द वेरियस बोन्स फाउंड इन आवर बॉडी. अब पहचानिए हमारे बॉडी में हर प्रकार के बोन्स हैं. अ लार्ज पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक्स. दिया गया हालांकि उधर बाद में दिया गया बुक्स के बाद में. By moving different parts of our body, your body, and with the help of this picture, try to identify the different bones and color them one by one. अब उसको बाद में दिखाया गया है, उसको हम देख लेंगे. अभी types of bones हमें नहीं पढ़ना है, देख लेते हैं बस कल का क्या काम है. हमने आपको overview बताया था उधर. Skull क्या करता है? Skull is made up of a number of bones which are attached to each other. Skull खोपड़ी क्या है? बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना है. The skull is hollow from the inside. The brain is protected in the cavity of the skull. तो क्या करता है खोपड़ी जो है हमारे ब्रेन को रक्षा करने का काम करता है. खोपड़ी क्या होता है? हॉलो होता है, अंदर से खोखला है, लेकिन उसमें ही समाया हुआ क्या है? ब्रेन. ऐसे निकाल दो खोपड़ी को, कछुआ को ऊपर वाला देखे हो, उसको निकाल दो तो अंदर सारे आइटम रहते हैं उसमें, तो उसको ऐसे फिर ढक दो. ओके, तो ये एक प्रकार के अंदर से हॉलो रहता है, ये खाली रहता है, लेकिन ऊपर से कवर ढका हुआ रहता है एज ए हेलमेट, आप देख लो. ठीक है, तो इस तरह से है हमारा स्कल. बहुत सारे इसमें भी बोन्स लगे हुए हैं. ठीक है, मूव योर लोअर जॉ. डू द बोन्स ऑफ द अपर जॉ आल्सो मूव इन सिमिलर वे. अगर नीचे वाला अगर जॉ को हिलाओगे ना तो ऊपर वाला भी वैसे ही हिलेगा. ठीक है, फील योर स्कल नोज ईयर फोरहेड जो एंड अटेस्ट टू दे. मतलब ये कहना चाहता है कि आप जी नीचे को जब स्कल को हिलाते हो, मूव करते हो, तो आपको ये जुड़ा हुआ किस से? माइंड से. तो आपको यहाँ तक हिलता है. ठीक है, ऊपर तक करके देख लेना. बैकबोन क्या होता है? हमारे शरीर का नहीं बोलते हैं कि ये इसका बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी. बैकबोन बोले तो रीढ़ की हड्डी. अगर वो नहीं रहेगा तो आपका सेप, आपका साइज सब बेकार रह जाएगा. आप डिसेबल्ड हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे. आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है बोन्स, उसको तोड़ दूंगा तो चलेगी तू? इधर दिखाता हूँ, इधर मारूंगा नहीं बोला ना. ये वाला ये इससे चलने होता है. अब तुम्हारा ऐसे खड़ा किससे है? ये आपको रिप्स नहीं है, इधर रिप्स बोल रहा हूँ जी, आपको बैकबोन नहीं होता. हाँ दीदी, ये बोलो बैकबोन नहीं टूटा था उसका. नहीं तो ओके, स्टॉप टॉकिंग. आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड. अपने फ्रेंड को बोलिए खड़ा हो जाए. एंड देन बेंड फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टच द ग्राउंड विद हैंड्स. तो आप जब टच करेंगे, झुकने बोलेगा तो टच करेंगे, तो हमारा कौन काम कर रहा है? बैकबोन काम कर रहा है वहाँ पे. प्रेस अ फिंगर जस्ट बिहाइंड हिज हर नेक एंड मूव इट बैकवर्ड टू फिल द वर्टेब्रल कॉलम. इन मैन द बैकबोन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल रिंग लाइक बोन्स से मिलकर बना हुआ था. मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्टेब्रल कॉलम, इसको बोलते हैं रिब्स. ये रिब्स बोल रहे हैं आपको. ये क्या है? रिब्स नहीं बेटा, रिब्स तो वो वाला है ना जहाँ पे आपको हार्ट. हाँ, बैकबोन. देखिए, द बैकबोन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ अ स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल ऐसे मिलके एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण तुम क्या करते हो? बेंड कर पाते हो, आगे पीछे झुक पाते हो,
और तुम्हारा बॉडी स्टैंड कर पाता है बिकॉज ऑफ तुम्हारा लेग से तो खड़े होते हो चलो ठीक है बॉडी को आकार देता है, लेकिन वहाँ से जो ऊपर तक से ऊपर से जो स्टैंड करता है आपको कौन करता है, बैकबोन करता है। ठीक है, तो वो सारे रिंग्स को क्या बोलेंगे हम, वर्टेब्रा बोलेंगे। ठीक है, उस आप जो हमारा जो बैकबोन है उसको हम क्या बोल दिए, वर्टेब्रल कॉलम। अगर वर्टेब्रल कॉलम किसको बोलते हैं, तो वर्टेब्रल कॉलम किसको बोलेंगे, बैकबोन को। ओके, लेकिन अगर बोलेगा वर्टेब्रा किसको बोलेंगे, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिल के जुड़े हुए, सिक्कड़ देखो, सिक्कड़ बोले तो आपको चैन देखो, चैन एक दूसरे से ऐसे मिल के बना होता है, लेकिन उसको भी उसी तरह से आप एक समझो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है पूरी तरह से, कौन, बैकबोन हमारा। यही कारण है कि हम झुक पाते हैं, इधर घूम पाते हैं, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाँ वर्टेब्रा बोलेंगे। ओके, यंग चिल्ड्रन हैव 33 वर्टेब्रा होता है, एज द ग्रो ओल्डर देन 9 वर्टेब्रा इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ट्रेंगुलर बोन्स। अब ये जो होता है कि बचपन में जब होते तो हमारा बोन्स की भी नंबर्स ज़्यादा होते हैं और ये वर्टेब्रा के भी नंबर्स ज़्यादा होते हैं, जब बच्चे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा कम होता है। एक्चुअली होता क्या है, कैसे कम होता है, देखिए मान के चलिए छोटे छोटे ऐसे बोन्स हैं, या फिर ये वाला ऐसे ऐसे मान लीजिए, देख रहे हो यहाँ पे, अब इसको बाद में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देख हो गया ये, फिर ये जुड़ जाएगा, दो हो गया बेटा, और फिर एक एक जुड़ जाएगा, तो अब यहाँ पे 6-7 बोन्स थे, अभी कम बन गया 3 बोन्स, बस स्ट्रांग बनना है ना उसको, तो इस तरह से वो कम हो जाते हैं, और नहीं कि वहाँ से हटा दिया जाता है या टूट के निकल जाता है, ऐसा नहीं है ना। अब इसमें स्पाइनल कोड के बारे में पढ़े हो ना, स्पाइनल कोड भी उसी में है, देखिए अब स्पाइनल कोड कितना इम्पोर्टेंट, हमने तो बताया तुमको, देख लीजिए कितना बचेगा, जैसे ही बड़ा होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जो बड़े छोटे 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 दो जो होंगे हड्डी वो मर्ज हो जाएंगे, एक बड़ा स्ट्रांग हड्डी बनेंगे। तो इसी तरह से हड्डियों की संख्या हमारे बच्चा का पैसा हमारे में क्या होता है, कम होता है, बच्चे में ज़्यादा होता है हमारे में कम होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वर्टेब्रे जो वर्टेब्रस है इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ट्रायंगल बोन्स, द हॉलो स्पेस ऑफ द वर्टेब्रस, जो हॉलो स्पेस है ना वर्टेब्रा का हॉलो स्पेस, फॉर्म अ कैनाल इन विच द स्पाइनल कोड लाइज प्रोटेक्टेड। उसी में क्या रहता है, स्पाइनल कोड उसी में है, दिखाता हूँ मैं आपको। डोंट टॉक, ये देखिए ब्रेन स्पाइनल कोड, ये देखो ये बोन्स के जो आपको जो हमने बताया ना कि चैन टाइप का बना है, उसको रिंग्स टाइप का बना हुआ, रिंग्स में जो सीधे गया है ना एक तारनुमा, वो क्या है, स्पाइनल कोड है। हाँ ये स्पाइनल कोड यही होता है, क्या होता है, बैकबोन में होता है, याद रखना। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ यू हैड अ सिंगल लॉन्ग बैकबोन इंस्टेड ऑफ सेपरेट वर्टेब्रा, सिंगल बैकबोन होता है ऐसे ही खड़ा कर देता था छड़ी जैसा, तो क्या होता है, हम झुक पाते, बैन में हो पाते क्या, नहीं हो पाते ना, ऐसे लगा देते हैं, भगवान ने ऐसे करता कि नहीं ये बैकबोन ऐसे सीधा कर दो, तो ऐसे नहीं झुक पाते हम। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे बाद में हम लोग ये जब पढ़ेंगे रिब्स का काम तो देख लेंगे, रिब्स का देख ले, प्रोटेक्ट काम करना प्रोटेक्ट करता है, ये जो हमारा इनसाइड का ऑर्गन्स है, जो अंदर का ऑर्गन्स है उसको बाहर से क्या करता है, रक्षा करने काम करता है। ठीक है, शोल्डर बोन्स को, ये कैल्विस को देखेंगे, ये सब सारी चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है,
देखो रिब्स के बारे में क्या बोल रहा है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द लंग्स एंड हार्ट आर सिचुएटेड इन द चेस्ट इन कैज ऑफ बोन्स, पिंजड़े में रहते हैं। पिंजड़े में बोले तो एक जैसे पक्षी पिंजड़े में होता है ना, बाहर के चीज़ों से प्रोटेक्ट होता है, उसी तरह से हमारा क्या क्या है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब हमारा चेस्ट में अंदर रहता है। ऊपर से क्या करता है, कौन सा रिब्स रक्षा करने का काम करता है एज अ केज ना। ओके, लेट अस नाउ फाइंड आउट विच बोन्स फ्रॉम दिस केज। दिस बोन्स सिचुएटेड इन द सेंटर एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड द स्टेर्नम, इसको स्टेर्नम बोलते हैं। द बोन्स सिचुएटेड इन द सेंटर एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सामने ये जो है ना, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे है एक, अरे यहाँ पे दिखाया भी तो नहीं है, ये वाला बेटा, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको, ये क्या हो गया रिंग नुमा, ये जो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अरे कहाँ चला गया है, कितना चैप्टर था बेटा, हाँ ये देखिए यहाँ पे, हाँ बेटा अब ये देखो, हमने बताया आपको कि सर बोन क्या बोलते, बैकबोन, ये देखिए बैकबोन है, ये है, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे। अब उसके बीच में जो लाइड है, जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, उधर से दिखता है ये, ऐसे बीच में जो रहेगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड, इसी में रहता है, इसी बैकबोन में। ओके, अब यही कारण है कि हम बॉडी को अप और डाउन, अप डाउन करते हैं या फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर पाते हैं, ठीक है। अब ये है, ये पूरा ये भाग क्या है, ये है आपको रिब्स है, क्या बोलेंगे इसको, रिब्स बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला है वो क्या था अभी, क्या बोला, प्रोटेक्ट करने काम करता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए स्टेर्नम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, स्टेर्नम, ये क्या है आपका, ये है आपका स्टेर्नम, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ऊपर से है ये कैविटी को, ये जो आपका रिब्स को है जो ऐड कर आप वो जोड़ के रखा है, कनेक्ट करके रखा है, वो क्या है, स्टेर्नम, स्टेर्नम। ओके, तो ये बात हुई यहाँ तक, तो आगे बाकी देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।